नमस्कार, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर अलका गुप्ता। हमने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देखे, अब हम लास्ट का जो वीडियो है 9th मंथ में, हमको किस प्रकार से आहार लेना चाहिए जिससे कि हमारी जो प्रसव है एकदम सुगमता से हो, सरलता से हो और हमको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। सबसे ज़्यादा यह है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। उसके लिए हमारे को आसनों में तो ध्यान देना ही है कि हमको अभी तक जितने आसन हम कर रहे थे उससे हमको थोड़ा सा डिफरेंट आसन करना है और प्राणायाम भी हमको थोड़ा सा डिफरेंट करना है। लेकिन आज हम जो बहुत सरलता से हर कोई कर सकता है कि अपने आहार में हमको किस प्रकार से थोड़ा सा चेंज करना है। अब चेंज हम कैसे करेंगे, जैसे आप सवेरे उठते हैं तो जो सबसे फर्स्ट है आपका उषापान, वो तो आपको करना ही करना है उषापान। साथ में शुरुआत आप किसी भी चिकनाई वाली चीज़ से, जैसे कि मलाई आप खा सकते हैं, मलाई और आप शहद ये मिलाकर आप खा सकते हैं, ये आपकी शुरुआत होगी। और खाना जैसा आप अभी तक जैसा खाना खाते थे वैसा ही आपको खाना खाना है, बस इसमें हमारे को थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें डालना है। एडिशनल चीज़ें मतलब किस प्रकार से कि थोड़ी सी ही जो गर्म तासीर की हो और जिसमें चिकनाई की प्रमुखता हो, ठीक। और जिस प्रकार से आपको आहार लेना है उसी प्रकार का आप आहार लेंगे। अब आप साथ में जैसे अभी तक आपको क्या बताया कि आप जो भी आपके वो रहते हैं नट्स रहते हैं उनको आपको भिगो के लेना है। यहाँ पर आप ऐसा भी नट्स को ले सकते हैं। नट्स में आपको क्या क्या लेना है, इस प्रकार से एक ऐसा बॉक्स जैसा बना के रख लीजिए, जो आते जाते आप जब आपका आपका मन हो तो आप इसको खा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये है आपका अखरोट है, ये भी थोड़ी सी गर्म तासीर का होता है, इसको आपको लेना है। इसको लेने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ये ले लीजिए, खजूर ले लीजिए। इसको खजूर लेने से आपका आयरन भी बढ़ेगा, आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, आपका बीपी भी अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आप बादाम ले सकते हैं, बादाम भी आप खाएंगे आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। ये यहाँ पर काला मुनक्का लेना है, लेकिन ये इस प्रकार से मुनक्का मैंने इस प्रकार से रख दिया किशमिश, क्योंकि यदि आपकी बीपी लो है तो आप इसको भी आप खा सकते हैं। इस प्रकार से खाइए और इस प्रकार से आप और भी रख लीजिए। काला मुनक्का है, ये काला मुनक्का आपके लिए बहुत ही अच्छा है हीमोग्लोबिन के लिए, आयरन के लिए। और यदि सबसे आखिरी में आपको इस बात का विशेष तौर से ध्यान देना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना। यदि कॉन्स्टिपेशन है तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि मुनक्का का इस्तेमाल आपको किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से सब प्रकार के ये बीज हैं, इस प्रकार के सब प्रकार के बीजों को आप रख लीजिए। इससे भी इसमें बहुत ज़्यादा आपके बच्चों की हड्डी भी मजबूत होगी, साथ में चिकनाई आपकी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इसको आप बनाकर अपने घर में रख लीजिए तो आते जाते आप इसको खा सकते हैं। अब फलों में आपको विशेष तौर से क्या खाना है, पाइनएप्पल आप खा सकते हैं और पपीता थोड़े प्रमाण में आपको रोज के पपीता लेना है। और यदि पाइनएप्पल आपको सुगमता से मिल जाता है तो पाइनएप्पल भी आप ले सकते हैं, लेकिन पपीता आपको डेली मिलेना है। अब रात को जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद आपको दूध लेना है, जितना भी आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से। दूध को थोड़ा सा कुनकुना करना है, थोड़ा सा गर्म लेना है। और इस प्रकार से जो खारिक पाउडर है बाज़ार में मिलता है, नहीं तो आप घर में बना सकते हैं, इस प्रकार से खारिक पाउडर ले लीजिए। कुनकुने दूध में थोड़ा सा एक चम्मच खारिक पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा सा केसर की पत्तियाँ डाल दीजिए, केसर की पत्ती डाल दीजिए, थोड़ा सा बादाम डाल दीजिए, थोड़ा सा पिस्ता डाल दीजिए और थोड़ा सा घी डाल दीजिए और थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। इसको आपको पीना है। इस प्रकार से यदि आप डेली रूटीन में इसको अपना लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान होगा, क्योंकि बच्चा फिसल के नीचे की ओर, जो आपके नीचे की है पहले की रीजन की तरफ, उसका सर हो जाता है और बहुत सुगमता से वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप जरूर करिए और देखिएगा कि आपका जो प्रसव है बहुत ही आनंदमय होगा और उसको आप आनंद की जो अवस्था है उसको आप प्राप्त करेंगे जब इस प्रकार के आहार को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार से आप देखते रहिए डॉक्टर, मैं हूँ डॉक्टर अलका गुप्ता आपकी दोस्त, आप इसी प्रकार से अच्छी अच्छी बातें मैं बताती रहूँगी।